Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So my name is Shivangi and today I'll be sharing a small Nykaa haul with you all. Generally मैं काफ़ी लंबे लंबे detailed Nykaa haul share करती हूँ but definitely मैं जैसे सारे ही Nykaa haul के साथ मतलब quick review भी share करती हूँ तो इसमें भी एक short quick review भी share करती चलूँगी जो भी products मेरे लिए नए नहीं होंगे. Okay, so guys, if you are interested, then stay tuned. If you are new to my channel, then आप पूरा वीडियो देखो अगर आपको ये कंटेंट इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो. एंड लास्ट में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. नाउ लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो. सो गाइज, एज यूजुअल आई हैव टू बॉक्सेस और कंटेनर्स विद मी. वन इज फुल ऑफ मेकअप विच इज नॉट दैट मच, बट हाँ फिर भी लिपस्टिक्स इस बारी मैंने कुछ समर को कंसिडर करते हुए कुछ नई लिपस्टिक्स भी ट्राई करी हैं एंड कुछ पुरानी को भी रीस्टॉक किया है. एंड उसके साथ ही मेरे पास है ये एक बास्केट जिसमें मेरा स्किन केयर और ऐसा ऐसा ही कुछ स्टफ है. सो गाइज लेट स्टार्ट फर्स्ट विथ मेकअप एज यूजल. तो नई लिपस्टिक में मेरे पास है दिस वन. दिस इज लिपस्टिक फ्रॉम टू फेस्ड मेल्टेड मैट. पहली बात तो इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी एंड जो भी लिपस्टिक का कलर है ना वो यहाँ पे आपको देखोगे तो दिख रहा है. एंड द शेड दैट आई हैव पिक्ड अप इज सेल आउट. और जो भी प्रोडक्ट का लाइक शेड प्राइस एंड बाकी सारी डिटेल्स आपको मेरे स्क्रीन पे यहाँ कहीं देखने मिल जाएंगी. एंड येस गाइज, सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली देखने मिल जाएगा इन केस इफ यू मेक अप योर माइंड टू बाई एनी ऑफ दीज. सो ये रही अंदर लिपस्टिक इसमें एंड क्वांटिटी इज रियली टू मच फॉर मी क्योंकि मैं ना इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ख़त्म ही नहीं कर पाती हूँ. बट हाँ, प्रोडक्ट अच्छा लगा मुझे. इसकी मैंने ऑलरेडी रेड भी ट्राई करी हुई थी बट कंसीडरिंग समर तो मुझे लगा कुछ ऐसे सटल से कुछ आँखों को प्लीजिंग लाइक कुछ आराम देने वाले शेड्स भी ट्राई करने चाहिए. सो दिस इज द शेड एंड इसका एप्लीकेटर ना काफ़ी बड़ा सा एप्लीकेटर है. मतलब ऑब्वियस सी बात है, बड़ी लिपस्टिक है तो इतना बड़ा एप्लीकेटर है एंड लुक एट इट्स शेड. तो ये शेड समर्स के लिए लिटरली बहुत बेस्ट है. बहुत ही सूदिंग सा सटल पिंक अंडरटोन है और काफ़ी हद तक न्यूड शेड में भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो. लिप्स पे वेरी कंफर्टेबल, नो ड्राइंग फॉर्मूला, वन स्वाइप फुल ऑन पिगमेंट. एंड री एप्लीकेशन के टाइम पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लमेटिक लाइक ऐसा नहीं होगा कि लिप्स बहुत चैप्ड हो गए या फिर री एप्लीकेशन में वो जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने ट्राई किया हुआ है, बहुत अच्छा है. एंड इसका फॉर्मूला लिक्विड मैट अगर मैं कंसिडर करूँ ये लिपस्टिक है तो उसके बावजूद भी बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है एंड थ्रू आउट अ डे काफ़ी लंबे टाइम तक लास्ट भी करती है. सो डेफिनेटली यू मे कंसिडर दिस काइंड ऑफ लिपस्टिक. द ओनली प्रॉब्लम दैट आई वुड एक्नॉलेज इज कि ये ना बहुत बड़े बड़े पैक में आती है तो मेरे जैसे लोग हो ना कि बहुत थोड़ा यूज़ करते हो, इतना डे टू डे लाइफ में नहीं यूज़ होती है तो मुझे लगता है कि मैं इसे यूज़ करने के बावजूद भी है ना मेरे से एक्सपायर हो जाएगी, लाइक प्रोडक्ट इसी में रह जाएगा और वो मेरा वेस्ट हो जाएगा. तो ज़्यादा बेटर होता है अगर ये मिनी वर्जन में भी आती तो इट्स काइंड ऑफ लाइक विन विन डील. बट नो इशूज, लिपस्टिक बहुत अच्छी है. इसी का मैं आपको रेड शेड भी शेयर कर देती हूँ. दिस इज इट्स रेड शेड एंड गाइज ट्रस्ट मी, इफ यू आर अ पर्सन लाइक सर्चिंग फॉर अ ब्राइट बोल्ड रेड कलर विद नो हिंट ऑफ ऑरेंजिश अंडरटोन, नो मरूनिश अंडरटोन, देन दिस इज द परफेक्ट शेड. यू मे डेफिनेटली ट्राई दिस शेड. बहुत जिसको कहते हैं सुर्ख लाल कलर है ये सिंपली, बस इसके लिए एक यही डिस्क्रिप्शन बेस्ट होगा. और एप्लीकेटर वगैरह सब कुछ इसका सेम उसी की तरह है जैसा पिंक वाले का है. एंड हियर इट्स अ शेड. तो हाँ, ये इतना ही ब्राइट रेड कलर है, कोई भी अंडरटोन नहीं है. ज़्यादातर मैंने लिपस्टिक जब मैं रेड ढूंढती हूँ तो क्या होता है कि उसके बाद में सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद ये आपको मरूनिश अंडरटोन लगने लगता है या फिर ऑरेंजिश अंडरटोन लगने लगता है. बट दिस इज द परफेक्ट ब्राइट बोल्ड रेड कलर. एंड इसके साथ आप अगर चाहो तो नायका का लिप लाइनर रेड कलर का मैच कर सकते हो क्योंकि मैं हमेशा लिप लाइनर के साथ ही लिपस्टिक लेती हूँ, स्पेशली डार्क कलर्स के साथ. तो हमेशा तो वो शेड मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कि विच इज द परफेक्ट शेड विच विल मैच दिस रेड कलर. ओके, नाउ नेक्स्ट लिपस्टिक विथ मी इज फ्रॉम हुडा ब्यूटी.
सो लास्टली मैंने हुडा ब्यूटी की एक और शेड ट्राई करी थी एंड दिस टाइम आई एंड अप ट्राइंग दिस मिनी वर्जन ऑफ हुडा ब्यूटी एंड इट्स शेड इज इंटरव्यू. सो ये शेड जैसा आपको कैप पे दिख रहा है ना ऐसा ही है अंदर, बट थोड़ा सा अगर आप मेरे जैसे स्किन टोन है अलग लाइक डस्की है आपकी स्किन टोन तो ये थोड़ा सा आपको वॉश ऑफ करेगा. तो थोड़ा सा ये आपको वॉश ऑफ करेगा, बट अगर आप इसे ना ब्राउन कलर के लिप लाइनर के साथ अप्लाई करोगे तो बहुत गॉर्जियस लगता है एंड मुझे बहुत पसंद आया. मुझे इस तरह के ना न्यूड शेड्स बहुत सुंदर लगते हैं और ये बिल्कुल बुलेट लिपस्टिक है और बेस्ट पार्ट इज कि इसका लाइक छोटा है, मिनी वर्जन है तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी है एंड इट्स रियली अ गुड थिंग कि मैं इसे एटलीस्ट यूज कर पाऊंगी. बिल्कुल इसी की तरह ये कलर भी लग रहा है बट जस्ट ये थोड़ा सा लाइक पिंक अंडरटोन में एंड ये थोड़ा सा ब्राउन अंडरटोन में, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू कलर्स. बट ये टोटल लाइक ये ना आपको ये लिक्विड मैट है तो ये ड्राई होने के बाद कंप्लीटली लाइक मैट हो जाएगी एंड दिस वन द हुडा ब्यूटी वन इज काइंड ऑफ लाइक सेमी मैट और यू में से क्रीमी मैट. तो ये पाउडर मैट फिनिश फॉर्मूला है तो ये इतना ही सटल रहेगा और लिप्स पे काफी टाइम तक ले कंफर्टेबल होता है. बट यस ये स्मर्ज प्रूफ है ना, बट ये लिपस्टिक स्मर्ज हो जाएगी. सो इफ यूर अ पर्सन हु रियली लव्स कुछ क्रीमी फॉर्मूला क्रीमी टेक्सचर तो आप इसके लिए जा सकते हो. ये आपको रीअप्लाई करनी पड़ेगी कई बारी क्योंकि ये हटती रहती है, पानी भी पियोगे तो भी ये हट जाती है, काफी इजिली स्मर्ज होती है. तो इफ यू आर ओके विद रीएप्लीकेशन देन डेफिनेटली यू मे गो फॉर दिस हुडा ब्यूटी वन. बहुत ही सुंदर सा शेड है. ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट लिपस्टिक विथ मी इज दिस लिपस्टिक. दिस इज द न्यूली लॉन्च लिपस्टिक्स ऑफ मसाबा. आई थिंक ये उनकी न्यू लॉन्च ही है तो उनकी सारी शेड रेंज में से ये शेड जो है ना काफी बेस्ट सेलर में जा रहा था. सो आई थिंक आई शुड ट्राई दिस आउट. तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी. यहाँ पे आप देखोगे तो नीना जी बनी हुई है. आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम इज राइट, नीना जी, यस. तो ये है एक्ट्रेस, मुझे बहुत पसंद है इनकी एक्टिंग, वैसे मुझे बहुत पसंद है. काफ़ी आर्टिस्टिक टाइप की होती है, लाइक काफ़ी नेचुरल सी. ओके, अपार्ट ऑल दिस थिंग, तो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी पैकेजिंग एंड जो शेड रेंज आई है, लाइक जो जिस रेंज से आई है इट्स मामा मिया एंड द शेड दैट आई हैव पिक्ड अप इज मीठा जलजीरा. तो बहुत अच्छी ये लिपस्टिक लगी मुझे. इसकी भी एक ही चीज मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, दैट इज ओनली द क्वांटिटी, क्योंकि मैं हमेशा छोटे पैक्स ही प्रेफर करती हूँ. इवन मैंने स्मैश बॉक्स के भी छोटे ही लिए हैं, हुडा ब्यूटी की भी मैं छोटी ही ट्राई करती हूँ बिकॉज वो ना सच में, अगर आप भी इससे रिलेट करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना अपनी रिलेटेबिलिटी. और ज्यादातर ऐसा होता है कि मेरी वार्डरोब में इतनी सारी नहीं, मेरी ड्रेसिंग टेबल में इतनी सारी लिपस्टिक्स होती हैं बट मैं कुछ ही शेड्स यूज करती हूँ. तो इससे अच्छा है कि छोटे छोटे हो ना तो वो ज्यादा अच्छा होता है. सो ओके, अपार्ट ऑल दिस गॉसिप्स, तो ये है लिपस्टिक जो कि अंदर की इसकी पैकेजिंग है एंड इसके कैप पे कुछ इस तरह से डिटेलिंग बनी हुई है. बहुत सुंदर लग रहा है, आंखों को तो देखने में बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रहा है, स्पेशली क्योंकि अब तो समर्स आ ही चुके हैं तो देखने में काफी अपीलिंग लग रही है. एंड ये जो शेड है वो आपको यहाँ पे बॉटल में देखने मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इट्स नेम, जो भी नाम है शेड नेम वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा इसके बॉटम पे. एंड इट्स एप्लीकेटर इज एज लाइक कॉमन एंड सिमिलर जित जैसे बाकियों की होती है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है. सो हियर इज द एप्लीकेटर एंड नाउ लेट्स सी इट्स शेड. सो गाइज, वेरी गॉर्जियस शेड, लिक्विड मैट लिपस्टिक है. इसे मैंने अभी तक बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया है तो इसके बारे में आई कुड नॉट शेयर एनी रिव्यू या कुछ भी, मैं आपको इसके बारे में नहीं सजेस्ट कर सकती हूँ कि लाइक कैसा इसका फॉर्मूला है. बट हाँ, लिपस्टिक का शेड मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली समर्स में तो बहुत मजा आने वाली है. बहुत सुंदर शेड है ये एंड इसके और भी बहुत अच्छे लाइक शेड रेंज काफी वाइड है, आप उसमें से काफी अलग अलग शेड्स चुन सकते हो. और लाइक डीपर स्किन टोन्स के लिए भी बहुत सुंदर शेड है एंड ये तो डस्की स्किन टोन पे भी बहुत गॉर्जियस लगेगा, आप काफी सेक्सी लगेगा. एंड अगर आप डीपर स्किन टोन हो, फेयर और हो, सब पे बहुत गॉर्जियस लगने वाला है. सो डेफिनेटली आप इसे ट्राई तो कर सकते हो. हाँ, फॉर्मूला वगैरह के लिए यू मे डेफिनेटली कंसिडर माई इंस्टाग्राम, वहां पे मैं डेली अपडेट्स
बिहाइंड सीन्स काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी शेयर करती रहती हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो सो दैट कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो यहाँ पर भी यूट्यूब में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, बट लाइक वहाँ पे मैं इंस्टा पे हर टाइम एक्टिव होती हूँ लाइक डे टू डे बेसिस पे. सो दिस वॉज अनदर लिपस्टिक इन माई हॉल एंड नाउ लेफ्ट विद ओनली लास्ट लिपस्टिक. सो दिस इज द लिपस्टिक दैट आई ऑलवेज ऑलवेज स्टिक टू अगर जब भी कभी न्यूड शेड्स की बात आती है तो. सो दिस इज फ्रॉम रेमल लंडन एंड ये बहुत अच्छी शेड है. बीच में इसकी ये स्पेशली द शेड इज ट्रबल मेकर, मुझे याद है ये ट्रबल मेकर एंड ये बहुत गॉर्जियस शेड है. ब्राउन अंडरटोन है एंड बहुत सुंदर लगता है और इसे ज़रूर आप लाइक अपने मेकअप कलेक्शन में ऐड करो. बहुत सुंदर शेड है और बिल्कुल लिप जैसे लाइक ओरिजिनल लिप कलर लगता है मेरे स्किन टोन पे. तो बहुत ही सुंदर ये ब्राउन शेड है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि लाइक इट्स योर ओरिजिनल लिप कलर बट विद अ बेटर वर्जन. अनइवन नहीं लगेगा एंड बहुत ही स्मूथ एंड इसका फॉर्मूला हैव बीन यूजिंग दिस शेड सिंस सो लॉन्ग और बहुत अच्छा फॉर्मूला है. बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, लिक्विड मैट है फिर भी ड्राई नहीं करता है. रीएप्लीकेशन के टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. वन स्वाइप फुल ऑन पिगमेंट एंड बहुत गॉर्जियस शेड है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो आप. ओके गाइस, नाउ इट्स टाइम फॉर सम आई पेंसिल्स एंड मस्कारा क्योंकि लिपस्टिक्स का सेक्शन इट्स ओवर नाउ. तो मेरे पास है ये आई पेंसिल फ्रॉम फॉरएवर 52. दिस इज इट्स वाटर प्रूफ एंड स्मूदनिंग बट मैंने अभी तक इससे पहले मैंने इसे कभी भी ट्राई नहीं किया. कभी कभी मुझे कुछ लाइक डिफरेंट करना होता है तो आई ऑलवेज ट्राई टू हैव सम कलरफुल पेंसिल्स आई पेंसिल्स. तो रिसेंटली काफ़ी सारी मैंने और भी स्टॉक करी हैं, ब्लू एमरल्ड ग्रीन एंड पिंक एंड ऐसे ही और भी कलर्स. सो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा कलर लगा. द शेड दैट आई पिक्ड अप इज ऑलिव ग्रीन F511 एंड ये है आउटर पैकेजिंग एंड हियर इट्स इनसाइड प्रोडक्ट और विच इज लाइक क्वाइट सिमिलर. कुछ भी ऐसा बहुत अनकॉमन सा नहीं है, काफ़ी कैची भी नहीं है और ये ना ट्विस्टर जैसी नहीं है. यू हैव टू शार्प द पेंसिल यूजिंग योर शार्पनर क्योंकि इसके साथ आपको कोई शार्पनर भी नहीं मिलता है. बट लेट्स सी कि ये प्रोडक्ट कैसा है, कितना कैसा ग्लाइड करता है एंड ऑल. सो शेड तो अच्छा है और मैंने ना अभी मैं इसको यही लगाया हुआ है लाइक अपने लोअर लैश लाइन पे, इसी को यूज करके थोड़ा सा स्मर्ज किया एंड स्मोक आउट किया हुआ है. तो शेड इज रियली गॉर्जियस, बहुत अच्छा सा लगता है. आप इसे इजीली ब्लेंड भी कर सकते हो बट कितना ये स्मर्ज होता है क्या नहीं होता है उन सब चीज़ों के लिए मुझे कोई भी आइडिया नहीं क्योंकि मैं इसे पहली बार ये ट्राई कर रही हूँ. तो आप चाहो तो मुझसे डेली अपडेट्स ले सकते हो एज आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो. इसके और भी शेड्स हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हो, ब्लैक भी है इनके पास तो वो भी देख सकते हो आप अगर आपको चाहिए तो. एंड ये बहुत ही ना यस वन थिंग आई शुड मेंशन हियर, ये बहुत ही इजीली ग्लाइड हो गया है एंड अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी पिगमेंट भी आई है इससे. तो वन स्वाइप में अच्छी पिगमेंट दे रहा है ये, सो नॉट अ बैड डील. एंड कलर भी अच्छा है इसका, लाइक ये कलर आपको जनरली देखने कम मिलता है. ओके गाइज, नाउ आई एम लेफ्ट विद वन मस्कारा. सो पैंडमिक के बाद से मेकअप में जो मेरा सबसे पसंदीदा चीज़ एक जो नहीं रही या जो मुझे वापस कभी दोबारा नहीं मिली मेबलिन से, दैट इज़ देयर टोटल टेम्पटेशन मस्कारा. एंड आई बैडली वेट फॉर देयर मस्कारास कि वो मे बी शायद इस साल आ जाए या अब आ जाए तब आ जाए, बट नहीं मिला मुझे. फाइनली मुझे ना ये टू फेस्ड का ही ये मिनी ट्रैवल साइज मस्कारा मिला है. अगर आप देखोगे तो इसका भी वोंट कुछ कुछ टोटल टेम्पटेशन जैसा ही है अगर आपने टोटल टेम्पटेशन यूज करा होगा तो. एंड द मेन थिंग दैट आई ऑलवेज फोकस्ड अबाउट मस्कारा इज कि वो वॉशेबल भी हो. तो मुझे वॉशेबल ही मस्कारा चाहिए होता है जो कि जनरली नहीं मिलता है. मेबलिन में है, आई नो बट उसका वोंट ऐसा नहीं है. एंड लुक एट इट्स बेस्ट थिंग इज कि ये ट्रैवल साइज है तो मैंने इसको ट्राई करने के लिए पहले तो ट्रैवल साइज ही मैंने इसका उठाया है और इसकी पैकेजिंग वगैरह भी मुझे अच्छी लगी है एंड इसमें डेट एक्सपायरी वगैरह वो सारी डिटेल्स भी लिखी है एंड इसका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, टू फेस्ड बेटर देन सेक्स. यस, यही है. तो बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव नाम है एंड इसका आपको ना फुल साइज भी मिल जाएगा. तो मैंने टेस्ट ट्रायल के लिए लिया है तो इसलिए छोटा लिया है. अब मैं इसका बड़ा वाला ट्राई करूंगी और एप्लीकेटर अगर देखोगे ना तो अच्छा खासा है, सही है, थिक है. तो मैंने अभी तक ना मस्कारा नहीं लगाया, सो आई थॉट कि मैं इसको ना यहीं पर ही लाइक रियल टाइम में ही
शेयर करती हूँ कि कैसा है इसका लाइक वोंड एंड एवरीथिंग इज कैसा है ये, तो मैं यहीं पे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कितनी एप्लीकेशन इसकी बेटर है। सो गाइज, दिस इज इट्स फाइनल रिजल्ट। मैंने आपके सामने रियल टाइम पे ही इसे अप्लाई करके दिखाया है, इसमें नहीं है एंड इसमें है मस्कारा। तो वैसे मुझे इसका एप्लीकेटर अच्छा लगा, अगर मैं इसे कर्ल करके अच्छे से लगाऊंगी तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। एंड आई रियली लाइक दिस मस्कारा। आई वुड नॉट से कि मुझे बहुत पसंद आया, आई एम लाइक टोटली इन लव विद दिस मस्कारा, बट यस मुझे अच्छा लगा एंड मैं इसका बड़ा पैक लूंगी। पहले इसे पूरा खत्म करूंगी, देखती हूँ कि कितना अच्छा और लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसा होता है कि एक बारी में आपको बहुत अच्छा लग जाता है एंड देन यू थिंक कि हाँ ओके ही है, इससे अच्छा तो मैं अपने पुराने वाले मस्कारे के साथ स्टिक रहती हूँ, तो बट ऐसा नहीं है। बट हाँ, मुझे एप्लीकेटर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैं इसको ही कंटिन्यू करूंगी, तो मैं इस आंख में भी लगा के फिर शेयर करती हूँ। सो आई एम डन। और मुझे सच में मस्कारा अच्छा लगा। इस समय मैं कैमरे के सामने लगा रही हूँ तो उतना अच्छे से नहीं लगा पा रही हूँ, बट हाँ डिफरेंस अच्छा खासा है एंड आई रियली लाइक्ड इट। लेट्स मूव फॉर सम स्किन केयर। तो स्किन केयर में मेरे पास एज यूजुअल, अगर आपने मेरे जितने भी नायका हॉल वीडियोस देखे होंगे, इफ यू आर फॉलोइंग मी, तो आपने देखा होगा मेरा जो नायका हॉल का शो स्टॉपर होता है वो हमेशा यही होता है, कामा का रोज वाटर। एंड स्किन सेक्शन में, या मैं जब भी नायका से शॉपिंग करती हूँ, तो मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि मैंने कामा का रोज वाटर जरूर ऐड कर लिया हो, क्योंकि ये मेरा बहुत यूज होता है एंड ये बहुत अच्छा रोज वाटर है। मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों ने काफी अलग अलग रोज वाटर सजेस्ट करे मेरे वीडियो देख देख के कि ये एक्सपेंसिव साइड भी ज्यादा है, बट मुझे जो इसका रिजल्ट लगता है ना वो किसी का भी नहीं फील आता है, ना ही रिजल्ट आता है। आई हैव सेंसिटिव स्किन एंड एट टाइम्स विंटर समर्स में बहुत ड्राई भी हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सपोजर टू एसी एंड जो भी क्लाइमेट हो जाता है ना उस टाइम पे, बहुत ही ह्यूमिड वाला, तो मैं इसे ही रखती हूँ और ये बहुत अच्छे से मेरी स्किन को टोन डाउन एंड काम डाउन करता है। सो ये है प्रोडक्ट का ज्ञान, मतलब ये रही प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड इनसाइड हियर इट्स बॉटल, जो कि काफ़ी अच्छी है, अभी क्लासी पैकेजिंग कर दी है, सब कुछ सेम है जैसे इसके पुराना होता था, ये इसकी पुरानी बॉटल है। द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें ना अब इन्होंने कैप पे ऐसा गोल्डन ऐड कर दिया, तो काफ़ी क्लासी एंड लग्जरी सी बॉटल लगने लगी है एंड बहुत अच्छी है ये रोज वाटर, बहुत अच्छा है। डेफिनेटली मेरे कहने से आप इसे ट्राई करो, आप चाहो तो इसका छोटा पैक ट्राई कर सकते हो जो कि 50 ml का आता है, वो भी आप देख सकते हो कैसा उसका रिस्पॉन्स है, आप देख सकते हो। एंड दिस इज बेस्ट फॉर मिस्टिंग, फॉर टोनिंग एंड फॉर मेकिंग योर फेस पैक्स एंड वॉट नॉट यार, बहुत सारी चीजों में आप इसे यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा रोज वाटर है। आई थिंक इसे तो बेस्ट रोज वाटर डिक्लेयर कर देना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैंने ली है लेनेज की सनस्क्रीन। आई नो मार्केट में बहुत सारी और सनस्क्रीन आ चुकी हैं, कुछ तो रोल ऑन भी सनस्क्रीन आ चुकी हैं स्टिक वाली एंड बहुत सारी और, बट मैं थोड़ी इन सब चीज़ों में पुराने ख्यालत जैसी ही हूँ। मुझे जो स्किन केयर में जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग जाता है तो मैं उसे जल्दी चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही कम प्रोडक्ट्स को एडजस्ट करती है या फिर उसे एक्सेप्ट करती है। तो लेनेज की ये है सनस्क्रीन एंड बहुत अच्छी है, इसकी बॉटल पैकेजिंग वगैरह बहुत अच्छी लगती है मुझे, काफ़ी स्लीक है, आपके पाउच वगैरह में इजीली आ जाएगी, ट्रेवल साइज जैसी लगती है मुझे। एंड इसकी जो क्वांटिटी है दैट इज 50 ml एंड ये 50+ SPF है, विच वी रियली रिक्वायर्ड कंसिडरिंग अवर इंडियन स्किन टोन एंड जितना एक्सपोजर हमारा सन के साथ होता है, तो वी मस्ट हैव 50+ SPF। अगर आप अपने डेली सनस्क्रीन डेली रूटीन में, स्किन केयर रूटीन में अगर आप सनस्क्रीन स्किप करते हो, देन गाइज प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सनस्क्रीन जरूर ऐड करो, नो मैटर आप अंदर हो, घर के बाहर हो, कहाँ हो, बट वो हमें इसे अगर आप इसे स्किप करते हो ना, तो मैं भी रिसेंटली इन सब चीज़ों से जान रही हूँ, तो मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो क्या होता है ना, आपकी एजिंग फास्ट हो जाएगी, ब्लैक स्पॉट्स आपको देखने मिल सकते हैं, किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से आप पूछोगे तो वो भी आपको ज़रूर रेकमेंड करेंगे, बट हो सकता है वो अपना कोई और मेडिकेटेड वर्जन दें आपको। सो डेफिनेटली आप सनस्क्रीन ऐड करो जो भी आपको या आपकी स्किन को सूट करती हो।
एंड नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट विथ मी, ये मुझे ना सनस्क्रीन के साथ आई थिंक मुझे फ्री मिला था, और ये है लेनेज का वाटर बैंक ब्लू हाइलोरॉनिक एसेंस टोनर. दिस इज नॉट फॉर सेल, तो उन्होंने मुझे फ्री दिया हुआ था. एंड लेनेज के प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी सूट करते हैं, इसका स्लीपिंग मास्क भी काफ़ी अच्छा है. सो दिस इज द टोनर, आई विल ट्राई इट एंड एज यूजुअल आई टोल्ड यू, अगर आपको चाहिए इसका अपडेट तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो. एंड नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज दिस बायोडर्मा माइसेलर वाटर. दिस इज द बेस्ट द अमेजिंग माइसेलर वाटर आई हैव यूज्ड टिल डेट. इससे पहले मैंने गार्नियर का भी यूज़ किया था, दैट इज ऑयल इन्फ्यूज्ड, एंड वो वाला रोज वाटर वॉज लाइक लिटरली वो बहुत इरिटेट करता था मेरे स्किन को. मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो बहुत कम प्रोडक्ट्स मेरी स्किन एक्सेप्ट करती है, एंड दिस इज द बेस्ट वन. इसकी ट्रायल पैक मैंने ट्राई करी थी, छोटी छोटी बॉटल्स भी आती हैं इसकी ट्रायल करने के लिए, एंड वो लाइक ट्रैवलिंग के टाइम पे भी बहुत सही होती है, वो ट्रैवल फ्रेंडली होती है, उसे मैं जरूर कैरी करती हूँ. सो ये मैंने पिंक वाला यूज़ किया हुआ है, एंड पिंक वाला जो है ना ये सेंसिटिव स्किन के लिए है, जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो उनके लिए बहुत बेस्ट है. एंड बेस्ट पार्ट इज कि ये टोटल वाटर है, बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं है, तो बिल्कुल भी ग्रीज आउट नहीं करेगा, बिल्कुल भी स्टिकी ऑयली ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा आपकी स्किन को, क्योंकि हमारे यहाँ पे 9 महीने तो गर्मी ही पड़ती है एंड वो भी ह्यूमिड वाली, तो बिल्कुल आयरेट हो जाती है स्किन, क्योंकि ऑयल एंड ये सब और डर्ट भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. और उसके बाद आपको फेस वॉश करना मस्ट है, बट इसके बाद ना अगर आप फेस वॉश ना भी करो तो भी चलेगा, बट देन टू डीप क्लीन करना है, आपने मेकअप किया हुआ है तो जरूर फेस वॉश करो, मैं तो यही कहूंगी. बट हाँ, मैं अपने रेगुलर रूटीन में जब डे एंड पे लाइक बिफोर गोइंग बेड एंड नाइट स्किन केयर रूटीन कर रही होती हूँ, तो फेस जिस दिन मुझे वॉश नहीं करना है लाइक प्रॉपर फेस वॉश नहीं करना है, तो मैं इसे यूज करके फेस वाइप कर लेती हूँ एंड नॉर्मल पानी से वॉश कर लेती हूँ, फेस वॉश नहीं यूज करती हूँ, और जो भी मेरा रेगुलर फेशियल ऑयल या जो कुछ भी लगाना होता है वो यूज करती हूँ. ये इसका पिंक वाला है, इसका आपको ग्रीन भी देखने मिल जाएगा, दैट इज बेस्ट फॉर लाइक पीपल हु इज सफरिंग फ्रॉम एक्ने. तो उसके उसमें एक दो और प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिससे कि लाइक वो एक बैरियर क्रिएट करता है टू प्रोटेक्ट योर स्किन. एंड दिस माइसेलर वाटर आई थिंक इसे बेस्ट होना चाहिए, इसके बारे में मैं जितना ही बोलूँ उतना कम होगा. वेरी जेंटल ऑन स्किन, इट विल डेफिनेटली रिमूव योर मेकअप एंड जो भी पॉल्यूशन गंक वगैरह वो भी रिमूव करेगा. एंड यस गाइस, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्रमोशन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है. जो भी मेरे स्किन को लाइक अच्छा लगता है कोई भी प्रोडक्ट, तो वो मैं ज़रूर आप सबसे शेयर करती हूँ. बहुत अच्छा है, ज़रूर ट्राई करो इसका, स्पेशली अगर आपकी स्किन लाइक सेंसिटिव है तो. और यस, अब ये ना अपग्रेडेड वर्जन में आ गया है, तो अल्ट्रा प्रैक्टिकल वर्जन आ गया है इसका. अब तो बस आप इस कैप को खोलो एंड यहाँ पे आप देखोगे ना, तो बस ऐसे ऐसे आप इसे प्रेस करोगे तो आपका प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा कॉटन में. सो मस्ट ट्राई प्रोडक्ट्स में से है ये, जरूर इसे ट्राई करो स्किन केयर में. एंड कामा का रोज वाटर भी जरूर ट्राई करो, मस्ट बाय प्रोडक्ट्स में से एक है. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज दिस ग्लिसरीन फ्रॉम विश केयर. मैंने बहुत सारे जब मैंने नायका पे ग्लिसरीन लाइक टाइप किया तो उसमें ना बहुत सारे और आए थे ऑप्शंस चूज करने के लिए, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन, क्योंकि एक तो इसमें पंप जैसा पैटर्न है तो इजी हो जाता है इसको प्रोडक्ट को निकालना, एंड सेकेंड थिंग क्योंकि ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, एंड सेकेंडली ये इसकी रेटिंग बहुत अच्छी गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसी का ग्लिसरीन ही ट्राई करूंगी. एंड इसकी क्वांटिटी मुझे मिली है 250 ग्राम, और आप सोच रहे होगे कि सर्दियाँ चली गई और फिर भी ये ग्लिसरीन ले रही है गर्मियों में. सो गाइज, अब मेरी स्किन ना गर्मियों में भी काफ़ी ज़्यादा लाइक कुछ कुछ एरिया पे रेडनेस या फिर ड्राइनेस आ जाती है. जो ये जो एरिया है ना, ये अभी भी आप देखो कि छोटा सा पिंपल आया हुआ है, ये रैशेस की वजह से हो जाता है कभी कभार. तो मैं ग्लिसरीन को एलोवेरा जेल में मिक्स करके यूज करती हूँ, एंड नो मॉइस्चराइजर फॉर दोज पर्टिकुलर डेज व्हेन माय स्किन इज रियली इरिटेटेड. तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी बट ग्लिसरीन की, अदरवाइज वो और ज्यादा ग्रीजी बना देगी. बट मॉइस्चराइजर तो हमेशा ही चाहिए होता है, दैट इज वाई मैं ग्लिसरीन बहुत थोड़ा सा यूज करती हूँ. बट यस गाइज, एक और चीज, अगर आप बहुत ज्यादा स्किन के लिए या स्किन का अपना बहुत ध्यान रखते हो, तो रिसेंटली आई हैव सीन ऑन सम व्लॉग जिसमें कि ग्लिसरीन यूज करके एक पैक बनाया था, नाइट पैक, तो उसे भी ट्राई करने की वजह से मैंने सोचा है कि जरूर ट्राई करते हैं. तो पैक की रेसिपी जो भी है वो यहाँ पे मेरे को आपको मेरे स्क्रीन पे देखने मिल जाएगी. आई रियली डोंट नो, आज मैं बहुत ज्यादा फंबल कर रही हूँ, मैं सच में बहुत फंबल कर रही हूँ, पता नहीं क्यों. तो मैं अपने स्क्रीन, कोई कोई डेज होता है आई थिंक कि
आप वन गो में बेस्ट शॉट नहीं दे पाते हो, तो वही है आज मेरे साथ। तो यहाँ पे आपको जो भी फेस पैक की रेसिपी है यहाँ देखने मिल जाएगी, और जो चैनल से मैंने जिस चैनल को देख करके जिस ब्लॉग को देख करके जो चैनल है वो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। तो आप अगर आपको उनको भी फॉलो करना चाहते हो या फुल ब्लॉग देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो वो भी देख सकते हो। सो या गाइज ये बहुत अच्छा है। एंड यस ये ना क्रुएलिटी फ्री है, वीगन है, लाइक आई मीन टू से कि कोई भी एनिमल्स वर नॉट हार्म्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस। एंड दिस ग्लिसरीन इज ऑल्सो गुड फॉर योर स्किन, बॉडी एंड हेयर। तो आई थिंक हेयर में भी इसे यूज करते हैं, फेस पैक वगैरह में मिक्स करके, अगर आपके ड्राई हेयर हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ड्राई हेयर तो मेरे ही है, मैं देखो काफी ड्राई है, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज अनसेंटेड, कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। So yeah guys, that's it. And yes, one product that is this cotton pad from Bella. इसी के cotton pads मैं हमेशा ही लेती हूँ to remove my makeup. And अच्छे हैं, gentle भी हैं, like soft हैं. इतने तो soft हैं कि हाँ मैं bear कर सकती हूँ. So yeah guys, that's it in today's Nykaa haul, which was like I think मैं बोलने से ही थोड़ा लंबा ज़्यादा हुआ होगा. Otherwise वैसे बहुत सारे products तो नहीं थे. And now look at these lipstick shades. बहुत गॉर्जियस लग रहे हैं ना, ड्राई होने के बाद बहुत सुंदर लग रहे हैं, काफ़ी सुंदर शेड्स हैं, ज़रूर ट्राई करना गाइस। एंड यस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रोडक्ट्स के साथ एक क्विक रिव्यू भी शेयर करते जाऊँ, अदरवाइज शोकेस कर, सो अगेन आई एम फंबलिंग, बिल्कुल ऐसे ही प्रोडक्ट को शोकेस करने का तो कोई मतलब नहीं है। सो दैट इज व्हाई मैं अपनी ऐसी कोशिश रखती हूँ। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं लगती है तो मुझे बताइएगा, मैं लाइक ज्यादा जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स दिखा के रैप अप कर दूंगी। सो या गाइज दैट्स इट, सी यू सून विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन यू गाइज डू शॉपिंग, हैप्पी शॉपिंग। जो भी प्रोडक्ट्स के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएंगे एज यूजुअल। एंड यस अगर आप अभी भी मुझे देख रहे हो, नए हो चैनल पे, वीडियो एंड तक आ गए हो और अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, तो प्लीज गाइज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे आपको मेरी डेली नोटिफिकेशन भी देखने मिल जाएगी बाय प्रेसिंग दैट बेल बटन। एंड यस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक बूस्टिंग माई मोरल, माई एंथो टू मेक मच बेटर कंटेंट इन फ्यूचर। दैट इज इट, मेरी मेहनत का फल हो जाएगा, ऐसा काइंड ऑफ। तो या गाइस दैट्स इट, सी यू सून। एंड या गाइस टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी शॉपिंग।